छह गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली समेत 7 राज्य ऐसे जहां पर स्थिति खतरनाक है। 29 दिसंबर तक देश में रोजाना 9000 केस आ रहे थे, जो कि अब बढ़कर 58000 हो गए हैं। आंकड़ा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अच्छी खबर वैसे ये है कि ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, अस्पताल जाने की ज्यादा नौबत आई नहीं है। लेकिन देखिए, राहत की खबर ये है कि 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो जानी है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि बूस्टर के तौर पर कौन सी वैक्सीन दी जाए और क्या इसके लिए पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है। तो किंतु परंतु तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बीच एक गुड न्यूज है। देश के पहले नीजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, जिसका बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ओमिक्रॉन की वजह से अगर तीसरी लहर की आहट है, तो वहीं नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा कवच मजबूत करने की भी तैयारी है। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बुजुर्गों को प्रिकॉशन या बूस्टर डोज दी जानी है। अच्छी खबर यह है कि बूस्टर डोज के लिए देश को जल्द ही एक और विकल्प मिल सकता है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट समिति ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल करेगा, साथ ही नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज का भी परीक्षण होगा। इसके नतीजे आने के बाद वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी हमको एक जब फील्ड में एक्चुअल यूज होगा तो उसके बाद इसके बारे में पता चलता है। टिल दैट टाइम जो इंट्रामस्कुलर बूस्टर वैक्सीन है, जो अभी हम लोगों को जो हाइब्रिड इम्यूनिटी में लग रही है, या हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब है कि किसी को कोविडशील्ड लगी है तो कोवैक्सीन उसको लगे, तो इस तरह से हमको एक बूस्टर डोज में उससे मदद मिल सकती है। देश में तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, इस पर अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है। अभी तक 90% लोगों को कोविशील्ड की और 10% को कोवैक्सीन लगी है। मंथन इस पर भी किया जा रहा है कि प्रिकॉशनरी या तीसरी डोज के तौर पर पहले ली हुई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए या वैक्सीन बदली जाए। एक दलील ये भी है कि अगर तीसरी डोज वैक्सीन बदल कर दी जाती है तो उसका असर ज्यादा होता है। बूस्टर डोज के लिए मास स्केल पे प्रोडक्शन इसका बहुत आसान है, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसको इवन फर्स्ट डोज कोवैक्सीन के लगने के बाद सेकंड डोज में भी नेजल वैक्सीन को दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक ऐड होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होगी। भारत बायोटेक का दावा है कि 2 डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर उसकी नेजल वैक्सीन अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। कंपनी इसके लिए 5000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है। संकेत है कि नेजल बूस्टर डोज को क्लिनिकल ट्रायल के बाद मार्च तक इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। खास बात यह है कि नेजल वैक्सीन नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा, यानी इसके लिए इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन है, वो बेसिकली एक एडनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है, जिसको नेजल रूट से दिया जाएगा, और ये विश्व का पहला ऐसा वैक्सीन होगा जिसको इस रूट से दिया जाएगा। ये निडललेस होगा, नॉन इन्वेसिव होगा, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, खास करके बच्चों में, जहाँ पे कि एक भय होता है इंजेक्शन का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेजल वैक्सीन जो है, इसकी जो खासियत ये होती है कि ये नेजल मिकोसा पे दिया गया, तो नेजल मिकोसा पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, जिसमें सेक्रेटरी एंटीबॉडीज जैसे IgA, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज IgG और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये सारे स्टिमुलेट होते हैं। तो बड़ा ही इफेक्टिव होगा, खास करके ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करेगा। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स को भी मंजूरी दी गई है। उम्मीद है कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज की मुहिम मजबूती से आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे एक बात तो साबित हो चुकी है कि कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव की 100% गारंटी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस दौर में भारत समेत पूरी दुनिया में ऐसे कई संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी संक्रमित पाए गए। हालांकि ऐसे मरीजों को ही देखने के बाद एक बात और भी साफ हुई है, और वो ये है कि टीकाकरण इंसानी शरीर को वायरस के खतरनाक प्रभाव से बचाता भी है। तभी फुली वैक्सीनेटेड लोगों में हल्के लक्षण ही देखे जा रहे हैं, कोई गंभीर बीमारी की समस्या से उन्हें जूझना नहीं पड़ रहा है। यानी वैक्सीन भले ही 100% बचाव की गारंटी ना हो, लेकिन संक्रमण की तीव्रता के साथ मृत्यु दर को कम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ओमिक्रॉन के इस दौर में भारत में एक बार फिर से ऐसी दवा की जरूरत महसूस की जा रही है जिससे संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके, ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक होने के बाद अपने घर लौट जाएं। और यही वजह है कि भारत में एक एंटीवायरल गोली को लॉन्च किया गया है। इसी के बाद मोलनुपिरावर नाम की इस दवा का इस्तेमाल अब कोविड 19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाएगा। मोलनुपिरावर नाम की एंटीवायरल दवा गोली की शक्ल में वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी, जिससे संक्रमित मरीज को जल्द से जल्द रिकवर होने में भी मदद मिलेगी। बस संक्रमित मरीज को इस दवा से जुड़े 5 दिन के कोर्स को पूरा करना होगा, और इसके लिए संक्रमित मरीज को 12 घंटे के अंदर 4 गोलियां लेनी होगी, यानी कि 5 दिन में मरीज को 20 गोलियां लेनी होगी, जो 1399 रुपए में आपको मिलेगी। भारत की 13 दवा निर्माता कंपनियां घरेलू स्तर पर ही मोलनुपिरावर का उत्पादन करेंगी, जिनमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, नैक्टोफार्मा है, सिप्ला स्ट्राइडर्स है, हेटरो और ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज शामिल हैं। यानी माना जा रहा है कि मेडिकल स्टोर्स पर भी बहुत ही जल्द मोलनुपिरावर गोलियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसकी बिक्री के लिए कुछ निर्देश भी जारी हो सकते हैं, जिनको दवा दुकानदारों को भी काफ़ी गंभीरता से लेना होगा। जिनमें डॉक्टर की पर्ची, सबसे पहली बात है कि हो सकता है ये कह दिया जाए कि वो बहुत अनिवार्य है और उस पर रिकमेंडेड लोगों को ही दवाई मिलेगी। दरअसल DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस एंटीवायरल दवा को मान्यता दी है, जिसका साफ मतलब ये है कि ये दवा कुछ नियमों के साथ बिकेगी, ताकि इस इमरजेंसी दवा की कालाबाजारी को रोका जा सके। एंटीवायरल मेडिसिन मोलनुपिरावर को लेकर सरकार ने फिलहाल हरी झंडी दे रही है। डॉक्टर सर्वेश पांडे मेरे साथ हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये वैक्सीन काम कैसे करेगी, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा? मोलनुपिरावर जो है एक एंटीवायरल मेडिसिन है। इसमें देखा गया, ट्रायल जो हुआ है, इस ट्रायल में ये देखा गया है कि ये 80-90% माइल्ड से मॉडरेट केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है। बाकी अभी इस फर्टिलिटी रेट पे अभी इसका चल रहा है कि क्या डाटा भी आने बाकी है, अर्ली डाटा। बाकी इसको माइल्ड केस में, जैसे जिस दिन आप अर्ली सिम्टम आते हैं तो आप 800 mg BD 5 डे का कोर्स है ये देने से बहुत अच्छा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। ये माना जाए कि जो घर में होम आइसोलेट रहते हैं उन लोगों के लिए दवाई बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी, या फिर जो घर में इलाज करा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस दवाई को लेने के। जैसा कि DCGI ने अप्रूव किया है, होम आइसोलेशन में के लिए ही है, और इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन में बेड और डॉक्टरों के ऊपर वर्कलोड भी कम पड़ेगा, इसलिए इसको होम आइसोलेशन के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक कदम जो है बहुत अच्छा है। कोविड की तीसरी लहर के बिल्कुल हम लोग करीब खड़े हुए हैं, लगातार ओमिक्रॉन के केसेस और कोरोना के केसेस सामने निकल के आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार की दवाई का अब मार्केट में आना बहुत हद तक जो है वो हमें राहत देगा? बिल्कुल, ये अभी भी मार्केट में आ गई है, और लेकिन जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का कदम कि जो ऐसी दवाइयाँ लोगों को माउथ से लेना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी दवा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि इस प्रकार की मेडिसिन से कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो इसका प्रयोग कर सके और हालात ऐसे बने कि वो हॉस्पिटल ना जा पाए। तो शायद यही वजह है कि लगातार कोशिश ये है कि वैक्सीन या फिर इस प्रकार की दवाइयाँ या जो भी रोकथाम हो सकती है उसको लेकर लगातार रिसर्च और काम चल रहा है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए।
तो देश में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो भारत ने कई कीर्तिमान बनाए। सफलता की एक गाथा पिछले साल लिखी गई थी, तारीख आपको याद होगी, 16 जनवरी। टीकाकरण के लिहाज से इस साल नई कहानी लिखने की तैयारी हो रही है। नए साल के आगाज के साथ ही भारत का जोर अब जूनियर्स यानी कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगाने पर है। इस टीकाकरण को लेकर हो रहे प्रयास के तहत भी सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर ही भारत ने बच्चों के वैक्सीनेशन में मील का पत्थर हासिल कर लिया है। देश में अब तक 15 से 18 साल के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को टीका लग चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि देश में हर दिन तेज रफ्तार से बच्चों का टीकाकरण जारी है। सिर्फ 3 दिन के अंदर इस एज ग्रुप के 1,19,00,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन की एक डोज लग चुकी है। टीकाकरण के पहले 2 दिन में ही 85,00,000 से ज़्यादा बच्चों के को सुरक्षा का ये कवच मिल गया था, जिनमें गुजरात दूसरे राज्यों की तुलना में टॉप पर रहा है। गुजरात में 3 जनवरी से लेकर अगर अब तक की बात करें तो 10,98,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन तक 9,86,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने के मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ 9,70,000 से ज्यादा बच्चों को पहली डोज मिल गई है। टीकाकरण अभियान के लिहाज से चौथे नंबर पर है राजस्थान, जहाँ 3 दिन में 8,19,000 से ज्यादा बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। राजस्थान के बाद बारी कर्नाटक की आती है। यहाँ पर 15 से 18 साल की उम्र के 8,00,000 से ज्यादा बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। इस मामले में छठे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर लगभग 5,46,000 से ज़्यादा बच्चों को कोवैक्सीन की सिंगल डोज दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 4,60,000 बच्चों को पहली डोज मिल गई है। 3 दिन में 4,38,000 से ज़्यादा बच्चों को टीका लगाकर महाराष्ट्र 8वें नंबर पर है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा है और अभी तक वहाँ पर 653 मामले सामने आ चुके हैं और पूरे राज्य में कोविड-19 के भी 18,466 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि कोरोना की बेलगाम होती रफ्तार ने 20 लोगों की जान भी ले ली है। और इसी में अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें, 10,860 नए मामले सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के टीकाकरण लगाने की रफ्तार के लिहाज से अगर हम 9वें नंबर पर बात करें तो बिहार राज्य आता है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के 3 दिन के अंदर यहां पर 4,37,000 से ज़्यादा बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और इस मामले में 10वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। वहां अभी तक सिर्फ 3,35,000 से ज़्यादा बच्चों को ही वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य रहे हैं जहां पर अब भी कुछ अभिभावकों में वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिल रही है और जिसका नतीजा ये है कि असम, ओडिशा, उत्तराखंड, केरल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य टॉप 10 जगह नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि अब तक 1,33,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन अब भी 8.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार है और वो भी ऐसे वक्त में जब देश में पिछले 7 दिन में कोविड के नए मामलों की रफ्तार में 316% का इजाफा हुआ है। ऐसे समय में अपने बच्चों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देना पेरेंट्स की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लोग आपके लिए दिन भर खबरें जुटाते हैं, खबरें लाते हैं, वो भी अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो भी चाहते हैं कि जब वो लोग घरों की तरफ जाएं ड्यूटी ख़त्म करके तो जिम्मेदारी का एहसास वहाँ भी हो। जागरूक करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग खबरें जुटाते हैं तो हमारा अपना परिवार कोरोना महामारी से कितना महफूज है। मैंने अपने कुछ साथियों से बात की है। देखिए कि जब 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे कई मेरे साथी हैं जिनके घर में 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको वैक्सीन फिलहाल नहीं लग रही है, तो उनका रिएक्शन क्या था ज़रा वो भी देखिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम सभी को करना है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। स्पेशली न्यूज़ रूम में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं सब लोग कि आपका कोविड प्रोटोकॉल फॉलो ज़रूर होना चाहिए। हर किसी के चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं। बहरहाल
आज से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। थोड़ा सुकून है पेरेंट्स में, उनमें जिनके बच्चों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन जिनके बच्चे अभी उस कैटेगरी में नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए हम सब लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी बाहर जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बाहर घर पर बच्चे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। जिनको वैक्सीन लग रही है वो बच्चे ऑब्वियसली सुरक्षित हैं। गौरव सावंत मेरे साथ इस वक्त हैं, आप इनको देखते होंगे इंडिया टुडे आज तक पे एंकर है हमारे साथ। गौरव, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। गौरव, नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यही है कि आज से बच्चों का वैक्सीन शुरू हुआ है। बहुत आवश्यक भी था इस समय, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और आपने मैंने हम दोनों ने सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव को कवर भी किया है, तो बच्चों को टीका लग जाए एटलीस्ट बच्चे घर से निकल तो सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन गौरव ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी फिलहाल उस एज ग्रुप में नहीं आए जिनको आज वैक्सीन लगा है, तो ये चिंता रहती है, क्योंकि मेरे ख्याल आप भी उसी उसमें आप तो फील्ड में भी जाते हैं, अभी देखिए इलेक्शन भी कवर होगा। बिल्कुल, और ये डर रहता है, मतलब मैं और मेरी पत्नी अभी ये यही बात कर रहे थे कि अब माता पिता को, सास ससुर को, उनको बूस्टर डोज लगेगा, क्या उसके साथ बच्चे को भी देने की आवश्यकता है एक टीका। तो अब बस हम यही जो उसके पेडियाट्रिशियन है उनसे ये बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये दे देना चाहिए। और फिर ये प्रश्न तो सभी माता पिता के मन में रहता है कि कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या क्या हो, और कब देना चाहिए या नेजल वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए। तो और ये हम लोगों का तो थोड़ा एक एडवांटेज भी हो जाता है कि बहुत डॉक्टरों से हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो हर तरफ से ओपिनियन तो मैं भी ले रहा हूँ। तो हम सिर्फ आपके लिए खबरें नहीं जुटाते बल्कि हम लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि कब, कैसे, किस तरीके से वैक्सीन दी जाए, कैसे सुरक्षा कवच खुद के लिए और परिवार के लिए बना जाए। चलिए रुख करते हैं अगली अच्छी खबर का, जो असल में माँ और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी है। दिल्ली में बेटे या बेटी का एससी एसटी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब सिर्फ पिता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अगर सिंगल मदर यानी अकेली माँ है तो वो अपने सर्टिफिकेट के आधार पर ही बच्चे का प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। दिल्ली की रहने वाली गीता देवी ने कई साल तक अपने बेटे के सर्टिफिकेट के लिए संघर्ष किया, उनकी मेहनत रंग लाई है। ये तस्वीर ऐतिहासिक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दलित समुदाय की एक महिला ने कड़ी मशक्कत के बाद अपना अधिकार हासिल किया है, बल्कि इसलिए भी कि अब दिल्ली में एससी एसटी समुदाय की किसी भी सिंगल मदर यानी अकेली माँ को अपने बेटे या बेटी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में सिर्फ माँ के दस्तावेज के आधार पर बच्चों का एससी एसटी प्रमाण पत्र बन जाएगा, इसके लिए पिता के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार का ये बड़ा कदम है और ये मुमकिन हुआ है गीता देवी के संघर्ष की वजह से। पति से अलग रहने वाली गीता के लिए अपने बेटे का जाति प्रमाण पत्र बनवाना नामुमकिन था, लेकिन करीब साल भर के अथक परिश्रम के बाद गीता देवी एक बड़ा बदलाव लाने में कामयाब रही हैं। सरकार ने भी उनका साथ दिया और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद अपने हाथों से सिंगल मदर के एससी एसटी दस्तावेज के आधार पर बनाया पहला जाति प्रमाण पत्र दिया। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसे समझ लीजिए। अभी तक नियम ये था कि केवल पिता या परिवार के किसी पुरुष के प्रमाण पत्र के आधार पर ही बच्चों का एससी एसटी सर्टिफिकेट बनता था। इसकी वजह से सिंगल मदर्स अपने बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाती थी। सिंगल मदर या अकेली माँ का मतलब है कि ऐसी महिला जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया हो या फिर तलाक दे दिया हो। पिता का प्रमाण पत्र नहीं मिलने से ऐसी महिलाओं के बच्चे अक्सर अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाते थे। कुछ ऐसा ही हुआ गीता देवी के बेटे के साथ भी, जिसे स्कॉलरशिप के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत थी, लेकिन पिता का सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद गीता अपने इलाके के विधायक विशेष रवि से मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने इस मामले में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग और एससी एसटी वेलफेयर विभाग के सामने रखा। इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में भी उठाया गया। ये मेहनत रंग लाई और एससी एसटी प्रमाण पत्र देने के कानून की प्रक्रिया को संशोधित करने का सर्कुलर जुलाई 2020 में जारी कर दिया गया। हमने इनका अप्लाई करवाया इनके बच्चे का सर्टिफिकेट, तो क्योंकि इनका खुद का उत्तर प्रदेश का बना हुआ था, तो पहले तहसीलदार ने यहाँ हमारे यहाँ कोरबाग तहसीलदार ने इनके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए सरोन जगह है उत्तर प्रदेश में वहाँ भेज दिया। और उसके बाद भी जब इनकी वेरिफिकेशन नहीं आई वहाँ से, तो हमने पर्सनली अपना एक यहाँ ऑफिस स्टाफ को, आदमी को वहाँ भेजा, जो वहाँ तहसीलदार से मिलके इनका वेरिफिकेशन हमने पहले करवाया। वहाँ से वेरिफिकेशन आने के बाद फिर यहाँ पर जो है इनके बच्चे का, क्योंकि तब तक हमारा दिल्ली सरकार सर्कुलर आ गया था इस बारे में,
फिर इनके बच्चे का सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो पाया। इस तरह दिल्ली के हजारों ऐसी वर्ग की सिंगल मदर्स को प्रमाण पत्र बनवाने में अब आसानी होगी। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे गीता देवी के सामने मुश्किलें तो बेहिसाब आई, लेकिन वो आखिरकार अपने दम पर बेटे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कामयाब रही हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। कितना जरूरी है आपके लिए सर्टिफिकेट और कितनी जद्दोजहद आपको इसके लिए करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कब से आप कोशिश कर रही थी? मैं ये कई सालों से क्या कहते कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का बन जाए जाति प्रमाण पत्र, पर वहाँ पे जितनी बार गई उतनी बार क्या कहते हैं पापा का मांगा जाता था कि पापा का होगा तो बनेगा या चाचा ताऊ का होगा तो बनेगा, वापस कर देते थे मुझे वापस। फिर मैं यहाँ सर के पास आई। आपका बेटा कितने साल का था जब आपको लगा कि आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपने कोशिश करनी शुरू की? मेरा बेटा पाँचवीं में था। पाँचवीं में था जी। आज किस क्लास में है? आज वो आठवीं क्लास में है। अच्छा, मतलब 3 साल हो गए लगभग। जी हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या कोशिश की और क्या आपको जवाब क्या मिलता था? मुझे यही जवाब मिलता था कि पापा का लाओ, पापा का नहीं है तो चाचा ताऊ का लाओ, लेकिन लाओ। तो जब वो लोग क्या कहते कुछ दे ही नहीं रहे, कोई क्या कहते हमारी खबर नहीं ले रहे, तो कहाँ से मैं पापा का लाती, चाचा ताऊ का लाती, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरा ही था। मतलब आपने जो इनके पिता हैं उनसे अलग हो आप, आपने उनके घर परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे कहा कि कुछ दे दीजिए, कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अमूमन यही दिक्कत सिंगल माँ के सामने आती है, खासकर वो जो अलग हो जाते हैं, फिर जो पिता का परिवार है या जो पिता है वो उस तरह से मदद नहीं करता है, और यही इनके साथ भी हो रहा था। उसके बाद फिर क्या किया आपने? मैं सर के पास आई तो सर ने लिख के भी दिया और यहाँ से विजय सर को भी भेजा, सर ने लिख के दिया जब मेरा बना मेरे बच्चे का। मैं सर का ही धन्यवाद करूंगी कि सर ने मेरे बच्चे का बनवाया। आप अकेले अपने बेटे का लालन पोषण करती हैं, पढ़ाती हैं? जी हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं धागे काटती हूँ। धागे काटती हैं। अब ये बताइए कि इस सर्टिफिकेट के ना बनने से आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? इस सर्टिफिकेट के ना बनने से मैंने तो भाग दौड़ करी, स्कूल में भी मांगते थे और जब यहाँ पे एडमिशन हुआ फिर भी मांगा गया मुझसे, तो क्या कहते हैं मैंने अपना दिया, मैंने कहा मैं बनवाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं बन रहा था, सर के पास आई, सर ने बनवाया। अब मेरे बच्चे को इससे वजीफा मिलेगा, तो जी बहुत हेल्प मिलेगी मेरे बच्चे को। तो वजीफे से जो पैसे आएंगे जाहिर तौर पर उससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ। कितनी मदद मिलेगी उससे? बहुत राहत मिलेगी, मेरा बच्चा क्या कहते ट्यूशन भी पढ़ा सकती हूँ मैं अपने बच्चे को, कॉपी किताब के लिए सब चीज़ के लिए भी मेरे बच्चे को। तो ये सर्टिफिकेट एक शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट क्या क्या मायने रखता है? दरअसल इस सर्टिफिकेट के जरिए अब बच्चे को उसके सरकारी स्कूल में कई तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत वजीफा मिल सकता है। जब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगा तो वहां पर भी कास्ट के आधार पर कुछ कोटा होगा, उसमें उसे फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरी के लिए जब वो अप्लाई करेगा तो वहाँ पर भी जाति के आधार पर जो कोटा है उसमें भी उसको उसका लाभ मिलेगा। अभी तक जितनी भी सिंगल माएँ थीं खासकर एससी एसटी की, उनके पास ये सुविधा मौजूद नहीं थी, लेकिन अब कम से कम एससी एसटी के जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके बेटे को ये सारे अधिकार मिल पाएंगे। पहला सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, उम्मीद ये की जाती है कि दिल्ली में जो ऐसी तमाम महिलाएँ मौजूद हैं उनको भी इस तरह से आगे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। कैमरामैन नासिर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।